हाय एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं YMCA, जहाँ पर कि एक कंपटीशन है ह्यूमन कैनवस का, जहाँ पे कि वी आर ऑनर्ड कि एज अ जज बुलाया गया है। सो फाइनली वी हैव रीच YMCA और यहाँ पे कुछ कुछ कॉम्पिटिशन ऑलरेडी चल रहे हैं एंड वी आर वेटिंग हियर और अब कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी ड्राइंग कंपटीशन चल रहा है, ड्राइंग है, पोस्टर मेकिंग है, ह्यूमन कैनवस, डांस, फैशन शो एंड मेनी मोर, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स यहाँ पर आज होने वाले हैं। सो दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया ऑफ द डाइनिंग हॉल। सो वी आर हियर एट YMCA और यहाँ पर हम आए हैं अभी फॉर ब्रेकफास्ट और अभी यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन विल मूव अगेन टुवर्ड्स द स्टेज। सो ब्रेकफास्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं एंड बस ब्रेकफास्ट ख़त्म करते ही हम यहाँ से चलेंगे वापस बाहर एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टेज। और यहाँ पे एक रंगोली कंपटीशन भी था जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर रंगोली बनाई है बच्चों ने और यहाँ पे स्कूल लेवल से लेके कॉलेज लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर बनाई है दिस वन, मतलब ऐसी इतनी सारी रंगोलियाँ और ये तो मैं सिर्फ आपको एक साइड की दिखा रही हूँ, ऐसी ही इतनी सुंदर रंगोलियाँ दूसरी साइड पर भी बनी हुई थी। तो यहाँ पे ऑलरेडी अब प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से 17th यू उत्सव एनजीओ मेला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जीवन की खोज में निकला रे। He is the chief guest here, that is Mr. Dharmendra. I am thrilled. I have no words to express my feelings. एक बार जननी कुटुंबश्री के साथियों के लिए जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर सारी डांस परफॉर्मेंसेस जो हैं वो चल रही थी और हम सभी ने बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने बहुत बहुत अच्छा डांस किया और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और गए हम स्टॉल्स की तरफ और यहाँ पर हम विज़िट कर रहे थे स्टॉल्स। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी ऑर्गेनाइज थे, स्टॉल्स भी लगे थे, ये कुछ ऐसा बैम्बू स्टिक्स का यूज़ करके, थ्रेड का यूज़ करके सारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल थे और जिसमें से दियाज, पेपर बैग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, इवन पेंटिंग्स मधुबनी। तो ये आप देख सकते हैं इन बच्चों ने कितना सुंदर बनाया, फुल मार्क्स फॉर देयर एफर्ट्स, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग। और यहाँ पे ह्यूमन कैनवस का कंपटीशन स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, देखिए आप बच्चों ने पेंट करना जो भी क्रिएटिविटी है वो शुरू कर दिया है ऑलरेडी। सो डांस परफॉर्मेंसेस अभी वहाँ चल रही हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी साथ में चल रहे हैं और यहाँ अब हम जा रहे हैं लंच के लिए क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और यहाँ हमारा खाना आ चुका है। सो फाइनली वी आर हैविंग आवर लंच।
और लंच हो गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर किया फ़ोटोशूट, जितने भी चीफ गेस्ट आ रखे थे और बाकी के जो YMCA के डायरेक्टर्स और जो भी लोग थे उन सभी लोगों के साथ फ़ोटोशूट। और यहाँ बच्चे आ चुके हैं एंड यू कैन सी हाउ अमेजिंगली दे हैव प्रेजेंटेड द वर्क। स्ट्रगल करते क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि हमें करना क्या, कैसे लोगों का भी भला कर सकते, खुद का भला कर सकते। एंजाइटी में आ जाता है, फिर डिप्रेशन में, फिर डिप्रेशन के बाद भी। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा आज, बहुत लोगों से, बहुत अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला, असिस्टेंट डायरेक्टर से भी मिला। यस, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर के असिस्टेंट डायरेक्टर, मैनेजर्स, बहुत, और इतने हम्बल लोग हैं ना वो लोग, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब ऑब्वियसली लोग अच्छे हैं लेकिन वो बहुत ही डाउन टू अर्थ हम्बल लोग, धर्मेंद्र सर, और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला एंड इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, है ना दी? इतने इतने अच्छे प्रोग्राम्स थे ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मतलब इतने सारे बच्चे आए हुए थे एंड इट वॉज सो सो। हमारे साथ हैं यहाँ पे माधुरी। माधुरी आप बताओ खुद अपने बारे में। हाय, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ एंड यंग्स माइंड जो यश चलाता है उसमें भी कोऑर्डिनेट करती हूँ, और मेरा खुद का है द स्टेट फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो एनिमल्स के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं पिछले कम से कम 10 सालों से वुमेंस के लिए भी काम कर रही हूँ, अलग अलग फील्ड में, मोबाइल हेल्पलाइन में या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन में, तो बस यही। और आज एज अ जज यहाँ आने का मौका मिला, उसके लिए थैंक यू YMCA। सच में इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बहुत बहुत ही अच्छा लगा, और बच्चों ने इतना अच्छा कैनवस, मतलब ह्यूमन कैनवस, मतलब ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो एक नंबर से भी रह जाने का वो सच में, तो यहाँ पे भी आज हम उस पोजीशन में, और इवन जजमेंट में भी 0.5 का फर्क है सेकंड और थर्ड पोजीशन में, सो यू कैन से। तो माधुरी बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा, सेम सेम टू यू। चलो ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके बाय, फाइनली वी आर लीविंग, और अभी बहुत बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम इस तरीके के मतलब फंक्शन अटेंड किया है, और फर्स्ट टाइम लोगों से काउंसिल मौका मिला, YMCA के डायरेक्टर, मतलब, और ही वाज सो डाउन टू अर्थ। फाइनली आई हैव रीच्ड होम, और दीदी भी अपने घर पहुंच चुकी हैं, और आज का डे बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा था। अब हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो।